तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपर ऑप्शंस की कुछ ऐसी सेटिंग जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस के ऊपर बैटरी सेविंग के लिए। तो सेटिंग्स को अगर आप एक बार चेक करके इसको सेट कर लेते हैं ठीक तरीके से, तो इससे आपकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर। ये जो ट्रिक है 100% वर्किंग है और सारे ही फ़ोन्स के ऊपर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं जनरली। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर ऑप्शंस, अगर आपने आपके फ़ोन के ऊपर ऑन नहीं करके रखा है तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर अबाउट फ़ोन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर लिखा हुआ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, या फिर अगर शाओमी फ़ोन से तो यहाँ पे MIUI वर्जन मिलता है। इसके ऊपर आपको 8 बार लगातार टैप करना है, इतना करते ही आपका डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाता है। इसके बाद आपको फ़ोन के एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस हैं जिनको आपको चेक करना है। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है आपको नेटवर्किंग सेक्शन में मिलता है, इसका नाम हो जाता है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। इसको आपको चेक कर लेना है, ये ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आपका ऑफ रहता है लेकिन इसको आपको ऑन कर लेना है। तो ये जो ऑप्शन, इसको ऑन करने से क्या होता है, आपके बैटरी की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, साथ में वाईफाई की भी परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज़ करता है और बैटरी आपका कम ड्रेन होता है जब आप वाईफाई के ऊपर इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। जो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक करना है, इसका नाम हो जाता है फोर्स 4XMSAA। ये जो ऑप्शन है अगर आपके फ़ोन के ऊपर ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है, इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है लेकिन बैटरी पे बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो इस वाले ऑप्शन को आपको ऑफ कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट्स का ऑप्शन मिल रहा है तो वो वाला ऑप्शन भी आप ऑफ कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टैप करना है, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होता है, तो इसको आपको एटमोस्ट 4 प्रोसेस पे या फिर 3 प्रोसेस पे, एटमोस्ट 3 प्रोसेसेस पे सेट कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन के ऊपर सिर्फ 4 ही बैकग्राउंड में प्रोसेस, 4 ही एप्लीकेशंस रन कर पाते हैं, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर यहाँ पे आपने इसको स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट करके रखा है तो 4 से ज़्यादा कितने भी ज़्यादा प्रोसेस आपके बैकग्राउंड के ऊपर रन कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। इसके बाद आप यहाँ पे डोंट कीप एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये वही लोग ऑन करें जिनके फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बैटरी की इशू है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे फिर होम बटन क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपके मेमोरी से क्लियर हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान से यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको आपको ऑफ करना है वो है एनिमेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर आपको 3 एनिमेशन वाले ऑप्शन मिलते हैं, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो ये जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शंस आपके 0.5x पे या फिर 1 पे सेट होंगे या फिर 1.5 पे सेट होंगे, तो आपको इन तीनों को ही ऑफ कर लेना है। इससे आपके फ़ोन के ऊपर जो यूज़लेस एनिमेशंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इससे भी आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचती है, साथ में आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद यहाँ पे जो फाइनल सेटिंग आपको चेक कर लेनी है वो है ग्राफिक ड्राइवर की। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस नाम से एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पे जाना है आपको और यहाँ पे ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस को आपको डिफ़ॉल्ट पे सेट करके रखना है। यहाँ पे सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर आपको यूज़ नहीं करना है, सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी अच्छी मिलती है लेकिन यहाँ पे आपको इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। डिफ़ॉल्ट पे रखने से आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचती है, तो अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर्स ऑन करके रख सकते हैं, बाकी सारे पे आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे सबको सेट करके रखना है। तो ये डेवलपर ऑप्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जिनको आप अगर यूज़ कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचती है। अगर आपको वीडियो काम का लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए।